अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको इनके बर्ड्स की एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो फिंसिस के मुतालिक है। जो दोस्त न्यू कॉलोनी लगाना चाहते हैं या नया शौक करना चाहते हैं फिंसिस का, ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाइट चिक, ब्लैक चिक, कॉमन जेबरा का और कॉमन वाइट का पेयरिंग का, एक तो मेल फीमेल का डिफरेंस और दूसरा ये कि आप किस तरह से पता कर सकते हैं वाइट चिक कौन सी है, ब्लैक चिक कौन सी है। इनमें भी यानी डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही डिटेल में बताऊँगा आपको, ताकि तमाम दोस्त ईजिली समझ सकें। इसके अलावा कौन सा फिंच जो है वो अच्छी मार्केट चल रही है, कौन से वाले म्यूटेशन की प्राइस अच्छी है, यानी कि वाइट चिक की, ब्लैक चिक की या कॉमन में कौन सी चीज़ है जो पैसे अच्छे दे जाती है। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि इस वक्त सबकी प्राइस सेम चल रही है। जब मैंने फिंचेस का शौक़ शुरू किया था, ये 2007 में वाइट चिक का जो रेट था वो 5000 रुपये पेयर का था और ब्लैक चिक का 3500 यानी 3500 रुपये का पेयर था और कॉमन जो है 2500 से 3000 रुपये में मिलती थी। उसके बाद फिर इसका रेट ऐसा गिरा कि बिल्कुल तीनों जो है बराबर आ गई, वाइट चिक, ब्लैक चिक और जेबरा फिंच जो है वो इन सब का रेट एक जैसा हो गया। तकरीबन 2015-2014 में 500-400 रुपये में पेयर बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता था और फिंच खरीदने वाला कोई नहीं था। फिंच इतनी डाउन हुई थी, अभी माशाल्लाह फिर थोड़ी सी अच्छा रेट चल रहा है फिंच का, 1000-800 रुपये में जाल रेट चला जाता है और 1200-1500 रुपये में ओपन मार्केट में इजीली फिंच बिक जाती है। तो अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। जो दोस्त पूछ रहे थे कौन सी फिंच लगाई जाए, तो अगर आप लगाना चाहते हैं, वैसे तो शौक के ऊपर डिपेंड करता है, लोग जो है वाइट को ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ी सी मार्केट में डिफरेंस है, यानी कि वाइट की डिमांड का वाइट चिक जो है इजीली सेल हो जाती है और लोगों की डिमांड है वाइट चिक की। इसके अलावा बाकी तीनों का जो रेट है वो सेम चल रहा है, यानी कॉमन जेबरा हो गई या कॉमन वाइट, इसके अलावा वाइट चिक और ब्लैक चिक, इन तीनों का रेट जो है जाल रेट पे शॉप वगैरह पे सब पे सेम ही चल रहा है। वाइट चिक का थोड़ा सा रेट हो सकता है ऊपर मिल जाए, ये शौक की बात होती है कोई ख़रीदने वाला हो। इसके अलावा वाइट चिक के ऊपर जो है क्वालिटी पे बहुत डिपेंड करता है, डार्क पेच में अगर होगा तो उसके रेट आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो चलिए अभी आपको मैं पकड़ के दिखाता हूँ, मैंने कुछ पेयर अलग करके रखे हुए हैं, वन बाय वन दिखाता हूँ आपको डिफरेंस मेल और फीमेल का और ब्लैक चिक, वाइट चिक वगैरह सबका जो है मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। जी दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ मैंने सेपरेट करके रखे हुए हैं, ब्लैक चिक का एक पेयर है, वाइट चिक का पेयर इसमें है, इसमें एक पेयर मैंने जो है जेबरा का डाला है और एक पेयर फॉन का डाला है, यानी फॉन जेबरा का, और एक पेयर जो है कॉमन वाइट का डाला है। तो मैं वन बाय वन करके पकड़ के बताता हूँ आपको और दिखाता हूँ किस तरह से आप इजीली देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी चीज़ हाथ में आती है। ये आइए फॉन की फीमेल, यानी फॉन जेबरा जो कॉमन जेबरा में फॉन कलर होता है उसकी फीमेल आई है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, आप इसका कलर देख सकते हैं, फॉन कलर है ये, यानी कि ब्राउनिश को जो है फॉन कहते हैं, ये वाला कलर जो होता है फॉन कहलाता है। इसमें कि जावा भी आती है और ये फिंच भी है, फिंच का आप ये देख सकते हैं, ये फीमेल है। फीमेल का किस तरह पता चलता है, फीमेल में कलर कम होते हैं, यानी कि मेल के मुकाबले में उस पर लाइनिंग या कलर जो है वो कम होते हैं। आप देख सकते हैं सिंपल एक लाइन है चेहरे पर और ये जो है बाकी इसकी बॉडी है, दम देखें आप और यहाँ पर इसका कलर देखें। ये फ़ोन की फ़ीमेल है, अभी मैं आपको फ़ोन का मेल पकड़ के दिखाता हूँ। इसी के साथ मेल पकड़ता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ नीचे ये वाला मेल है फ़ोन का, ये आगे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये मेल है और फीमेल के मुकाबले में मेल को आप देख सकते हैं, मेल के मुंह पर ऑरेंज कलर का चिक है और चेस्ट पे जो है लाइनें हैं, जिस तरह से फीमेल जो थी वो सिंपल थी। ये आप मेल का टॉप देखें और दम दोनों की एक जैसी है और यहाँ नीचे से अगर शेड हम देखते हैं गर्दन में, तो गर्दन में मेल का जो है शेड है, ये मेल में आपको दिखा रहा हूँ और ये आँख भी आप देख सकते हैं, आँख के चेहरे की साइड से। मेल को भी मैं छोड़ता हूँ, फीमेल दोबारा देखिएगा आप, जैसे मेल के आपने देखा चेस्ट पे निशान थे जगह और फीमेल की बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ मुंह पर एक लाइन है। तो अभी इसको ही मैं छोड़ देता हूँ, फ़ोन का पेयर मैंने आपको दिखाया, अभी दोबारा से देखता हूँ कौन सा ये आज ये है, कॉमन वाइट की फीमेल दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे हाथ में अभी कॉमन वाइट की फ़ीमेल आई है, यानी कलर बिल्कुल वाइट है उसी तरह से जिस तरह फ़ोन था, फ़ोन का कलर था और ये जो है बिल्कुल वाइट है इसका कलर, मुंह पर एक लाइन है, इस तरह से चेस्ट वगैरह सब क्लियर है, चोंच के नीचे से और चेस्ट बिल्कुल क्लियर है, देख सकते हैं आप दुम की मार्किंग। तो अभी इसका मेल मैं पकड़ता हूँ, कॉमन का मेल, ये मेरे हाथ में कॉमन का मेल आ गया है, आप देख सकते हैं इसके चेस्ट पे जो है मार्किंग है जिस तरह के जेबरा के या फ़ोन के थी, और चेहरे से भी आप देख सकते हैं, यानी कि मेल में कलर ज़्यादा होते हैं, इस तरह से परों के नीचे भी जो है कलर है, आप देखें पर के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा पंजे के साथ, और दम बिल्कुल सिंपल है
और इस तरह से देख सकते हैं आप। फीमेल में आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ, मेल की आप मार्किंग चेक कर सकते हैं, पर के नीचे है, गर्दन के नीचे मार्किंग है, ये मेल का डिफरेंस है। और फीमेल देखें आप, बिल्कुल सिंपल है, यानी पर के नीचे भी कोई मार्किंग नहीं है, और इस तरह से और गर्दन के नीचे भी कोई मार्किंग नहीं है, सिंपल चेहरे पर एक लाइन है। तो ये है वाइट की, कॉमन वाइट की पेयर दिखाया आपको। अभी जो है मैं वाइट चिक का पेयर दिखाता हूँ आपको पकड़ के। तो ये वाइट चिक का मेल मेरे हाथ में है, चेक करें ज़रा, ये वाइट चिक का मेल। चिक्स देखें सबसे पहले, यानी कि जो गाल हैं आँखों के नीचे वाली जगह है, ब्लैक बिल्कुल डार्क पीच में है ये, इस तरह से गर्दन के नीचे जो सीना है उसके ऊपर मार्किंग, और परों के नीचे मार्किंग है, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, ये वाले पर परों के नीचे जो है फ्लाइंग फेदर जो है उनके नीचे जो मार्किंग है, और दुम देखें। ये वाइट चिक का मेल है, वाइट चिक की आप सबसे बेसिक जो निशानी है, वाइट चिक ब्लैक चिक जो कहलाता है, ये वाइट चिक है क्योंकि पूरी बॉडी जो है बाकी वाइट है, यानी फेदर्स वगैरह बाकी सारे वाइट हैं, और चिक जो है ये ब्लैक है। और ये डार्क पिच में है, इसकी फीमेल मेरे पास मौजूद है, फीमेल भी मैं दिखाता हूँ पकड़ के आपको। फीमेल बिल्कुल सिंपल होगी, यहाँ पर ये वाली फीमेल आ गई वाइट चिक की, ये फीमेल है, सिर्फ और सिर्फ चिक पर निशान है, यानी कि लाइट चिक में फीमेल है लेकिन ये वाइट चिक की है, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चिक है, यानी कि गाल पे निशान है, बाकी फिंच की तरह जो फीमेल होती है फिंचेस में वो कम कलर में होती है, बिल्कुल सिंपल है, यानी गर्दन के नीचे भी कोई निशान नहीं है, पर के नीचे भी नहीं है, सीना भी साफ है, बाकी बॉडी भी क्लियर है, यानी ये वाइट चिक का पेयर मेरे हाथ में है, देख सकते हैं आप, ये वाइट चिक की निशानी मैंने दिखाई है आपको। अभी मैं ज़ेब्रा का पेयर दिखाता हूँ, इससे पहले सबसे पहले मैंने दिखाया था फ़ोन का पेयर था, और अभी ज़ेब्रा का। ज़ेब्रा में कलर थोड़ा डार्क होता है, फ़ोन का कलर जो आपको दिखाया था मैंने लाइट था, और ये ज़ेब्रा के चिक बिल्कुल डार्क ऑरेंज है, और इस तरह से इसके जो परों के नीचे निशान है वो निशान, और सीना का कलर, और मेरी जो अपनी सबसे फेवरेट है वो ज़ेब्रा है, यानी कि ये जो मेरे हाथ में है ये वाली फिंच जो है मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा होता है दिखने में, बहुत खूबसूरत लगती है, और दूसरे नंबर पर फिर वाइट चिक आती है मेरे पास। तो ये जो है ये ज़ेब्रा का मेल है, बहुत ही प्यारा मेल है मेरे पास, और इसकी फर्टिलिटी का रेशियो भी बहुत अच्छा है, इसका जो पेयर है हर क्लच में 4 से 5 बच्चे निकालते हैं, माशाल्लाह कॉलोनी में काफ़ी सारे पट्टे भी आए हुए हैं। तो इसकी फीमेल ही मैं आपको दिखाता हूँ, कॉमन की बिल्कुल वाइट की जैसी है, और सिर्फ कलर का फ़र्क है, वाइट जो थी उसका कलर वाइट, और ये जो है ग्रेश कलर में, ब्लैक कलर में जो होती है पाई जाती है, देख सकते हैं आप, आँख पर किसी किस्म का चिक नहीं है, सिर्फ आँख के नीचे जो आंसू कह सकते हैं इसको, इसकी एक लाइन है दोनों तरफ, और चेस्ट बिल्कुल क्लियर, परों के नीचे कोई निशान नहीं, और कलर जो है ग्रेश कलर का। ये है कॉमन ज़ेब्रा की फीमेल, ज़ेब्रा की फीमेल है ये, कॉमन ज़ेब्रा की फीमेल है। अभी मैं आपको ब्लैक चिक का नर दिखाने वाला हूँ, ब्लैक चिक की फीमेल नहीं है मेरे पास, मैं कोशिश करूँगा उसकी पिक्चर अटैच कर दूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए इजीली, ताकि मेरे जो नए दोस्त शुरू कर रहे हैं उनको समझ आ सके। ये आप देख सकते हैं ब्लैक चिक का नर है, माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का इसका जो है चिक बना हुआ है, और बाकी वही वाइट चिक वाला है सारा, लेकिन सिर्फ कलर की वजह से, यानी जो इसका कलर है ग्रेश कलर है, इस वजह से ब्लैक चिक कहलाती है, क्योंकि ये जिस तरह से ज़ेब्रा है ज़ेब्रा ब्लैक में है कॉमन, इसी तरह से ये कॉमन कलर है इसका ग्रे कलर, और वाइट ब्लैक चिक इसलिए कहलाता है कि इसका चिक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये इसके सीने पे चेस्ट पे वही मेल वाली निशानी, परों के नीचे बिल्कुल मेल वाली जो मैंने आपको मेल की निशानी बताई है, और ये ब्लैक चिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लैक चिक की फीमेल की तस्वीर भी मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। ये मेल है और इसकी ब्लैक चिक की पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है ब्लैक चिक की फीमेल। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो, मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, ब्लैक चिक वाइट चिक मैंने पकड़ के दिखाए हैं आपको, जैसे मैंने आपको कुछ कॉमन के भी दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने पास मिक्स की कॉलोनी लगाई हुई है, क्योंकि अभी इस वक्त रेट सबका सेम ही चल रहा है, म्यूटेशन के हिसाब से ब्लैक चिक वाइट चिक का या कॉमन का रेट का बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे पैसे दे जाती है वाइट चिक। वाइट चिक की थोड़ी सी डिमांड है मार्केट में, शौकिया लोग जो है वो पसंद करते हैं वाइट चिक को, तो वो जो है 100-200 रुपये अगर आप ओपन में बेचते हैं, यानी कि अपने पास रख कर फेसबुक पर या किसी को ऐसे बुला कर घर पर देते हैं या मार्केट में जाकर खुद बेचते हैं, तो 200-100 रुपये वाइट चिक जो है वो अच्छी दे जाती है। इसके अलावा वाइट चिक का ये है कि जितना अच्छा पिच होगा, जैसे सामने आपको मेल बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल डार्क में है वाइट चिक का, तो वाइट चिक का जितना अच्छा चिक होगा उतने अच्छे आपको पैसे दे जाएगी। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, बाकी भी अगर कोई दोस्त समझना चाहते हैं तो उनके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, साथ ही बेल के आइकन को दबाइएगा जिससे आपको मेरे आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।